तो गाइज अगर आपका भी सेंट्रल आईओएन डिजिटल जोन फरीदाबाद जो कि बाटा मेट्रो स्टेशन के पास है वहाँ पड़ा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसे जाना है। सबसे पहले गाइज आपको अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आ जाना है, 2 घंटे पहले आपको निकलना है, जो भी आपका एग्जाम टाइम होगा उससे 2 घंटे पहले आपको घर से निकल जाना है। अगर आप पिंक येल्लो ब्लू किसी भी लाइन पे हो तो आपको वॉयलेट लाइन पे आना है, और अगर आप वॉयलेट पे हैं तो उसी पे रहें, वॉयलेट लाइन पे आपको आना है। तो गाइज मेट्रो आते ही मेट्रो में बैठना है और आपको वॉयलेट लाइन जैसे है वहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, पूरी मेट्रो खाली है। तो गाइज मैं पिंक लाइन से चढ़ा था इसलिए मेरे को लाजपत नगर पे चेंज करनी पड़ी, लाजपत नगर से वॉयलेट लाइन जाती है। लाजपत नगर पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मेट्रो पकड़नी है, जो राजा नहर सिंह जाएगी वही पकड़ना है। तो गाइज मेट्रो में चढ़ते ही आपको ये मैप भी चेक कर लेना, इसमें लिखा है देखो बाटा चौक। मेरा गाइज सुबह 8 बजे वाली शिफ्ट का पेपर था तो मैं घर से 6 बजे निकल गया था, तो अपने हिसाब से आप 2 घंटे पहले ज़रूर निकलें। ये ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, ये जैक पे चेक भी कर सकते हैं आप। तो गाइज जैसे ही बाटा चौक है आपको वहाँ पर उतर जाना है और गेट नंबर 3 से एग्जिट करना है। यहाँ से गाइज 5 मिनट का रास्ता है, आपको सीधे चलते आना है और यहाँ से ही आपको इधर वाली रोड पर लेफ्ट मुड़ जाना है। मेरा सुबह की शिफ्ट में एग्जाम था, देख लो गाइज कितनी ज़्यादा ठंड है, कोहरा हो रहा है। लेफ्ट मुड़ने के बाद गाइज आपको थोड़ी दूर चलना है और वो आगे राइट दिख रहा है, वहाँ से आपको राइट लेके उस रोड पे चले जाना है। गाइज अब इस रोड पे आने के बाद आपको एक अडानी ग्रुप की कंपनी दिखेगी, यहीं पे इसी के जस्ट बगल में ही सेंटर है हमारा वोरा, यही है गाइज आईओएन डिजिटल जोन फरीदाबाद जो कि बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ पर आप बाहर बैग जमा कराएंगे तो आपको 30 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, बाहर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अंदर भी रख सकते हैं, हमें पता नहीं था, लेकिन अंदर ही जस्ट गेट के बगल में ही रखने की जगह है, सुविधा तो सही है लेकिन अपने रिस्क पे है वहाँ पे। गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जिनका एग्जाम है उन्हें शेयर कर देना। आपको अपना एडमिट कार्ड ओपन करना है और यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेना है, ऐसे यहाँ ऊपर क्लिक करके ये हो गया कॉपी, और जाना है गूगल मैप में, यहाँ पे आपको उसे पेस्ट कर देना है और ये यहाँ पे देखो 1 घंटा 38 मिनट दिखा रहा है, इसका मतलब कि मुझे 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। अपने हिसाब से टाइम आप चेक करके ज़रूर निकलना।